हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 7 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, आज वीडियो में थोड़ी नॉइस है वो आ सकती है क्योंकि बाहर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं आज हमारे आर्टिकल की तरफ। पहला जो आर्टिकल यहाँ पे आया है वह है यूथ को लेब के बारे में। क्या है ये, हम एक बार देख लेते हैं। देखो, न्यूज़ ये आई है कि अटल इनोवेशन मिशन जो चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली नीति आयोग के द्वारा इसको चलाया वो गया था। तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट है वो, इनका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूथ कोलैब। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया, पहले तो हम वो देख लेते हैं किस लिए इसको स्टार्ट किया गया, मोटो क्या है इसका। देखो, यूथ कोलैब है वो एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली जो हमारे देश में यंग जनरेशन है, जिनकी एज हम बात करें तो 18 से लगभग 29 साल के बीच में जो यूथ हैं, उनकी हेल्प लेके हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करके और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस पाने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। यानी आपको और भी सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो हमारे देश की जो यंग जनरेशन है उसके आइडियाज को एक्सप्लोर करके, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके और हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है उनके वायबल सॉल्यूशंस हैं वो प्राप्त करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट है। वो क्या गया है, ये बेसिकली 2017 में को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूथ कोलैब जैसे प्रोग्राम है वो लगभग वर्ल्ड की 25 कंट्रीज में स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन वाले की अगर हम बात करें तो। एम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जो यूथ लीडरशिप है इसकी गाइडलाइंस में, कि भाई हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया जाए और इसी के साथ ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इसको प्रमोट है वो किया जा सके। देखो, जो यूथ कोलैब है, जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो कि हमारे देश में अगर हम बात करें तो जो जेंडर इनक्वलिटी है उसकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको लेके हमारे देश की जो यंग जनरेशन है जिनकी एज लगभग 18 से 29 साल के बीच में है, वो कैसे प्रोग्राम्स लेके आएंगे, वो एक इस तरीके का नया प्रोग्राम जनरेट करेंगे जिससे कि भाई हमारे देश की ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई क्यों ऐसे रीजंस हैं कि हमारे देश में जेंडर इनक्वलिटी है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कौन सा इनोवेटिव सोल्यूशन आ सकता है, महिलाएं कैसे बाहर अच्छे से काम कर सकती हैं, कैसे उनको सेफ्टी फील हो सकती है, इन सब के बारे में नए इनोवेटिव आइडियो का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सोल्व है वो क्या जाएगा। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 6 मोटे मोटे टारगेट स्टार्टिंग में रखे गए हैं फर्स्ट फेज के, इसमें अलग अलग फेज है वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो देखो, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 5वां है, जेंडर इक्वलिटी, इस पर काम करेगा जो हमारा ये यूथ कोलैब प्रोग्राम वो। इसी के साथ ही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे, इसी के साथ ही अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसी के साथ ही डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं इनका यूथ की हेल्प से, डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसकी हेल्प से सॉल्यूशन निकाल के उसको सोल्व करने की तरफ ये प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ट्रांसफेट के बारे में। तो देखो, थोड़ा हम देख लेते हैं कि ट्रांसफेट होती क्या है। देखो, ट्रांसफेट है ये बेसिकली फैटी एसिड है जो कि लेब के अंदर कृत्रिम, यह हम बात करें कि आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको जनरेट है वो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफेट है वो बेसिकली आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट की जाती है। हाँ, इसमें यह कि थोड़ी सी मात्रा में नेचुरल फैट भी होती है, क्योंकि नेचुरल फैट की हेल्प लेके ही आर्टिफिशियल फैट है वो जनरेट की जाती है वो होती है। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ तो आपने डालडा घी का नाम सुना होगा, वो हो जिसे हम बेसिकली वनस्पति घी के नाम से जानते हैं, तो ये होती है ट्रांसफेट जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। ऐसी जो ट्रांसफेट जैसी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली जो ऑयल होता है ना तेल, इसके अंदर जो हाइड्रोजन्स है इसका यूज करके और फिर घी की फॉर्म में कन्वर्ट है वो किया जाता है, तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं वो होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफेट या ट्रांसफेटी जो एसिड हैं वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, हार्ट संबंधी डिजीज हो, मोटापा हो और भी काफ़ी बीमारियाँ वो फैल जाती हैं, तो ये बहुत खतरनाक होती हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था। न्यूज़ में इसलिए था कि अभी FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, उसने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रांसफेट फ्री लोगों के तौर पे। है क्या ये प्रोग्राम, यह प्रोग्राम ये है, देखो आप, गवर्नमेंट ने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले स्टार्ट भी किया था जिसका नाम था ईट राइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि बहुत ही सही खाना है, ईट राइट, ईट का मतलब खाना है, सही तरीके से खाना है इंडिया वालों, ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट की जो स्टेचुरी बॉडी है FSSAI के द्वारा। अब बात ऐसी है कि हम जो बाहर मैक्सिमम जो आइटम्स खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, पिज्ज़ा, बर्गर, इनमें ट्रांसफेट का यूज है वो किया जाता है,
और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांस फैट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, इसीलिए अभी एक इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया भाई ट्रांस फैट को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सके। देखो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट की जो मात्रा है वो WHO ये कहता है कि भाई आप जितने भी फैट खा रहे हो ना इसमें 1% से ज़्यादा जो एनर्जी की है या फैट है वो ट्रांस फैट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई आदमी दिन में 1 किलो फैट खा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसका जो 1% हिस्सा हो गया यानी कि 10 ग्राम, इससे ज़्यादा फैट वो ना खाए ट्रांस फैट की फॉर्म में, क्योंकि ट्रांस फैट हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारी FSSAI जो बॉडी स्टेचुरी बॉडी, उसने ये कहा है कि भाई हम हमारे जो फूड में 2% तक जो ट्रांस फैट है इसको अलाउ कर सकते हैं, वो भी कब तक, ओनली 2022 तक, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यूज की जा रही है। तो 2022 तक ये प्रावधान रखा है कि 2% को भी धीरे धीरे कम करके हमें 0 पे लेके आना है, यानी कि हमें एक तरीके से ट्रांस फैट को हमारे डेली फूड लाइफ से अलग है वो हटाना है वो, क्योंकि इसके काफ़ी सारे नुकसान है वो होते हैं। तो ये मैंने इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट है वो यहाँ पे बताए। अब देखो ये देखते हैं कि फैट है ना, जो चर्बी आपसे बोल सकते हो वसा, ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अनसेचुरेटेड, एक होती है सेचुरेटेड और एक होती है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो आर्टिफिशियल तरीके से जो फैट बनाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट संबंधी डिजीज को बढ़ा देता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांस फैट, जो कि हम फ्रेंच फ्राई, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाते हैं इसमें मैनली ज़्यादातर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो ट्रांस फैट होती है ना, ये बेसिकली जो फूड होता है इसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखती है, इसीलिए जो खाने वाली इंडस्ट्री है, हम बोले फूड इंडस्ट्री है, बेसिकली ये ट्रांस फैट का यूज ज़्यादा करती है। अब 2 फैट हो रहे हैं, एक तो है अनसेचुरेटेड और एक है सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैट है वो बेसिकली गुड टाइप की फैट होती है, और ये बेसिकली जो हम जैसे ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू, बादाम हुए, एवोकाडो हुए, इसके साथ ही मूंगफली, इनमें पाई जाती है। ये ध्यान रखना कि ये गुड फैट होती है और ये काफ़ी हेल्दी है वो होती है। इसके साथ एक होती है सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट वो होती है जो हमें दूध, डेयरी प्रोडक्ट से हमें बेसिकली मिलती है वो, इसको ये भी वैसे हेल्दी है वो होती है, बट इसका ज़्यादा उपयोग हमें कंजप्शन है वो नहीं करना चाहिए। तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैट दोनों हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बट ट्रांस फैट है वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। देखो बात ऐसी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी NDMA, ये तो आपको पता ही होगा। अभी न्यूज़ में बेसिकली इसलिए आई है कि कर्नाटक और केरला में जो फ्लड आई थी बिहार वाले एरिया में, तो उसके लिए फंड है वो एलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है। तो उसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का सेक्शन 46 है, इसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक फंड भी है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है। ये जो फंड है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैनेज है वो करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस फंड का यूज कहाँ पे होता है? इमरजेंसी रिस्पांस के, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो या फिर कोई ऐसी महामारी आपदा फैल गई हो हमारे देश में, उससे निपटने के लिए, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, डिजास्टर से बचाने के लिए इस फंड का यूज है वो किया जाता है। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे NDRF होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो होता है। तो देखो होता क्या है, किसी भी स्टेट में अगर कोई बाधा या आपत्ति, बाढ़, फ्लड, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उस दौरान पहले तो स्टेट एक्शन लेता है कि स्टेट है वो अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का यूज करता है, बट अगर वो नाकाम हो जाता है, उससे काम नहीं बन रहा है, तो फिर नेशनल गवर्नमेंट है, या हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का यूज है वो करती है। पहले इस फंड का नाम था वो था नेशनल क्लाइमेटी कंटेंजेंसी फंड NCCF, बाद में इसका नाम 2005 में चेंज करके NDRF बना दिया गया और स्टेचुरी बॉडी में इसको सेट है वो कर दिया गया था। ये तो हमने देखे इसके कुछ फैक्ट, अब कुछ और पॉइंट्स अब देखते हैं। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, ये बेसिकली हमारे देश को 3 फंड होते हैं ना, जैसे कि आपको पता होगा, एक तो होती है संचित नीति, एक पब्लिक अकाउंट, इस तरीके से। तो उसके जो पब्लिक अकाउंट होता है उसका पैसा NDRF में यूज है वो बेसिकली किया जाता है, इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह वो नहीं मिलता है। इसको मॉनिटर कौन करता है, अभी ये बात आती है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है वो, इसी के साथ ही अगर हम और अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो बेसिकली इसको मॉनिटर और रेगुलेट है वो यहाँ पे करती है। अब बात ऐसी है कि जो केग यानी कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो NDRF जो फंड है इसकी टाइम टू टाइम ऑडिट भी करते हैं कि भाई कैसा इसका यूज है वो हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगी भाई इस फंड में पैसा कहाँ से आता है, तो देखो इस फंड में जो पैसा है ना,
एक तो आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना काफी सारे प्रोडक्ट के ऊपर सेस और लेवी वगैरह लगाती है, तो वहां से पैसा आता है। इसी के साथ ही एक्साइज ड्यूटी है और कस्टम ड्यूटी है, उनसे भी बेसिकली पैसा है वो एनडीआरएफ फंड में इंक्लूड है, वो किया जाता है। और अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में जब बजट पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, उस दौरान फाइनेंशियल बिल के थ्रू भी इसमें बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू पैसा है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनडीआरएफ में पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कि इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक है वो अभी तैयार किया गया है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में। देखो होगा कि क्लिनिक क्या काम करेगा, इस क्लिनिक का काम ये है हाउस होल्ड और जो कॉमर्शियल सेक्टर दोनों, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि केवल घरेलू ई वेस्ट उठाएगा, घरों से भी और कॉमर्शियल यूनिट है वहां से ई वेस्ट को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको घर घर या ऑफिस ऑफिस जाके कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको डिकम्पोज या उसको ठिकाने है वो लगाया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसके साथ ही भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि डोर टू डोर घर से कलेक्ट किया जाएगा और या जो कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स हैं, वहां से उसको कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको डिपॉजिट करके और फिर उसका ठिकाना है एक तरीके से उसको सही तरीके से निपटारा निपटा दिया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसके तहत ये इनिशिएटिव है वो स्टार्ट है, वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, इसको 1943 में स्थापित किया गया था, यानी कि आजादी से पहले, ग्रुप ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल एज ए थिंक टैंक, यानी कि एक थिंक टैंक का काम है वो करता है। अब इसका काम क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, यानी कि यह हमारे देश के जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गए वो, इसी के साथ ही फॉरेन अफेयर हैं, इन सब के बारे में स्टडी है, इन सब के बारे में रिसर्च का काम है वो करती है। और 2001 में पार्लियामेंट ने एक्ट के तहत ICWA को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के इंस्टीट्यूट का दर्जा भी दे दिया था। और इसके अगर हम बात करें जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट है वो किया जाते हैं। काम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन अफेयर के बारे में ये इंडिया को लेकर स्टडी रिसर्च वगैरह करने का काम है वो करता है। इसकी देखो शुरुआत वैसे की गई थी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश टाइम से 1943 से, उस टाइम के इसके फाउंडर का नाम था सर तेज बहादुर सिपारो। तो ये आप छोटी सी तीन चार इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कॉटन, कॉटन का मतलब जो कपास हो गई उसके बारे में, तो देख लेते हैं क्या है। देखो कॉटन है ना वो ग्लोबल एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर देश में या देश और हर कंट्रीज में बेसिकली प्रोड्यूस है वो की जाती है, मतलब कि कपास की खेती ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर एरिया में ऑलमोस्ट की जाती है। अब बात ऐसी है कि कॉटन जो इंडस्ट्री होती है ना इसमें काफी सारे लोगों को बहुत लंबे टाइम तक रोजगार मिलता है, जैसा कि एक अनुमान यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक टन जो कॉटन है ना इससे लगभग हम बात करें तो 5 लोगों को पूरे साल भर एवरेज, मतलब पूरे साल भर रोजगार मिला हुआ रहता है, यानी कि 12 महीने रोजगार मिलता है एक कॉटन कॉटन से, यानी कि काम काफी ज्यादा इससे होता है। दूसरी बात, कॉटन की खेती है उस पर सूखे वगैरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी के साथ ही ये हम बात करें तो कम पानी में अरेंज है वो हो जाती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड में कॉटन का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो सामने होता है। अब बात ऐसी है कि जो कपास होती है इससे हम आपको पता है कि रुई जनरेट की जाती है, रुई या कॉटन, और उस रुई से फिर बेसिकली कपड़ा वगैरह है धागा बनाया जाता है और फिर कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। अब देखो पहले जो कपास का पौधा होता है इससे जब रुई कलेक्ट करते हैं तो इसके जो बीज होते हैं साइड में, इन बीजों को जानवरों को खिलाया जाता है जिससे उनमें दूध प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, तो उसके काफी सारे यूज है वो यहाँ पे होते हैं। आपको बता दूं कि एक क्वालिटी है कॉटन की जिसका नाम है सुवीन, जो कॉटन की सबसे अच्छी क्वालिटी है और ये बेसिकली इंडिया के तमिलनाडु वाले हिस्से में प्रोड्यूस है वो की जाती है। तो ध्यान रखना इंडिया में सबसे अच्छी जो कॉटन है उसकी क्वालिटी का नाम है सुवीन और वो बेसिकली तमिलनाडु वाले एरिया में बोई जाती है। क्या खासियत है इसकी, देखो कॉटन वो अच्छी होती है जिसका जो रेसा या धागा, जो रेसा कॉटन में आपको रुई में रेसे से होते हैं, तो जितना लंबा और पतला रेसा होगा सॉफ्ट उसको अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो जो तमिलनाडु में कॉटन प्रोड्यूस की जाती है उसका बहुत ही फाइन जो हम बात करें रेसा है वो होता है, ये आपको छोटा सा ध्यान में रखना है। इसी के साथ नॉर्मल तो कॉटन का कलर है वो होता है वाइट, बट कुछ कलरफुल कॉटन है वो भी प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ पे, धारवाड़ वाले एरिया में।
अब आपके लिए कुछ नहीं है कि धारवाड़ वाला क्षेत्र इंडिया में कौन सा है, यानी कि धारवाड़ वाली चट्टानें हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिकली जैसे कि डार्क ब्राउन कलर की कॉटन भी होती है, मीडियम ब्राउन कलर की भी, और ग्रीन और क्रीम कलर की कॉटन है वो भी नॉर्मली पाई जाती है। अब हमने ऐसा सब ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि देखो हर साल 11 अक्टूबर को, सात अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर को आगे हर से, मतलब इसी साल से स्टार्ट किया गया कि वर्ल्ड कॉटन डे है वो मनाया जाएगा। अभी बात ऐसी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेसिकली डिसाइड किया कि हर साल 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको वर्ल्ड कॉटन डे के तौर पे ऑब्जर्व है मनाया वो जाएगा। अब ऐसी ही कि अकेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ अगर हम बात करें तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो, इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसी के साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, और इसी के साथ ही इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी है, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि 7 से लेकर 11 अक्टूबर तक हम वर्ल्ड कॉटन डे है वो मनाएंगे, यानी UN द्वारा रिकॉग्नाइज ये है। अब देखो बेसिकली चार ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कॉटन काफी अच्छा प्रोड्यूस है वो किया जा रहा है, एक तो है बेनिन, एक है यहाँ पे बुर्किना फासो, एक है चैड और एक है माली, ये बेसिकली अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।